नोटबंदी के बाद किसानों को हो रही परेशानियों और उनकी मांगों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से आज मुलाकात की, लेकिन ये मुलाकात महज 5 मिनट ही चली। बताया जा रहा है कि बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने राहुल गांधी से मिलते रहने के लिए कहा। इस दौरान कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों को उनकी फसल पर अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और नोटबंदी के बाद इकट्ठा हुई रकम को किसानों की कर्ज माफी के लिए इस्तेमाल करने की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने इस मुलाकात को लेकर कहा कि पीएम ने माना कि किसानों का मुद्दा गंभीर है, लेकिन कर्ज माफी पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही पीएम मोदी पर हमला बोला था और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं नोटबंदी को राहुल गांधी ने सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है और कहा है कि इस फैसले के चलते किसानों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। संसद का पूरा सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन सियासी उठापटक के बाद किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने पहली बार पीएम से मुलाकात की। हालांकि देखना अब ये होगा कि इस मुलाकात से किसानों के लिए क्या राहत भरी खबर आती है। देखते रहिए टीवी लाइव।